अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बाद अहमद खान। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम पीओवी राइड करने जा रहे हैं GR150 की। अभी मैं कंपैरिजन वीडियो बना रहा था इनकी, तो ऑब्वियसली उसके साथ मुझे जो है पीओवी राइड भी बनानी थी, तो आपको रिव्यू वाली वीडियोस भी देखने को मिली होंगी क्योंकि वो मैंने पहले डाल दी होगी। और फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू राइड GR150। इससे पहले मैंने चलाया, मतलब एक ही बार चलाया, कोई ख़ास राइड नहीं की थी। सो लेट्स सी कैसा जाता है एक्सपीरियंस। और अभी हम गुलबर्ग में हैं, यहाँ पे थोड़ा सा राइड लेते हैं, लेट्स सी इसके साथ क्या एक्सपीरियंस जाता है। इतना एक्सपेंसिव बाइक है तो हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है इसमें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, इसका एक फ़ीचर है कि क्लच के बगैर ये स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। नाइस स्टार्ट, ओके। नया बाइक है, नए बाइक का थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैं पुराने बाइक चला रहा हूँ, यूज्ड बाइक्स लेके, तो वो ज़्यादा बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अभी ये जैसे चला है ना, बहुत स्मूथ चला है और पता चल रहा है कोई बाइक चला रहे हैं आप। गियर्स बहुत स्मूथ हैं। अभी हम यहाँ से, आज हवा बहुत तेज़ चल रही है यार, साउंड बिल्कुल भी नहीं है। और जो बाइक की स्मूथनेस है ना, मैंने CB चलाया था तो मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की थी कि यार ये बहुत स्मूथ बाइक है, क्योंकि मैं YBR से शिफ्ट हुआ था उस पर। और YBR भी खैर मैं स्टॉक तो नहीं चला रहा था, बट मुझे बहुत डिफरेंस लगा था। सो दिस वन इट्स इवन बेटर आई मस्ट से। ओए होए, खड़ा चक्री बीच में ऐसा बेंड है ना, मैं 60 पे जा रहा हूँ और मैंने पांचवा गियर लगाया हुआ है। स्ट्रेट रोड है, ज़रा चेक करते हैं बाइक को। ज़ाहिर है अभी हम ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, हम ऐसे एरिया में भी नहीं है। तो यहाँ जाना था, आई डोंट नो। ओके, ये तो राउंड अबाउट है। आई थिंक मैं ठीक जा रहा हूँ। पता चले वापसी मुझे आइडिया ना हो, क्योंकि इस एरिया में इतना घुमा हुआ नहीं हूँ। अभी आई एम अनएबल टू पुश इट टू द लिमिट्स, उस तरह मैं इसको नहीं पुश कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी चीज़ नहीं है। आई गेस दिस वॉज द रोड, सॉरी भाईजान कोई है तो नहीं। लेट्स सी, 0 to 100 भी चेक करते हैं। यार ये कितनी गंदी रोड है भाई, अभी बाइक धुलवा के लाए हैं और ओके 0 to 100 भी टेस्ट करते हैं, वीडियो में समझ आ जाएगा मुझे, यहाँ पे शायद ना आए समझ। 1 2 3 गो।
दिस रोड इज़ नॉट रिकमेंडेड। इसमें तो जंप्स टाइप है, बट इस बाइक ने फील नहीं होने दिया, दैट इज़ रियली गुड। कंफर्ट के हिसाब से मज़े की चीज़ है। सीट बहुत कंफर्टेबल है यार इसकी, मुझे इतना सुकून से बैठा हूँ ना मैं। सीबी की थोड़ी सी सख्त है सीट और इसकी बहुत नरम है। दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि तीन गियर जो है ना इसे बहुत जल्दी मांगे हैं, वहाँ पे इसने स्पीड छोड़ दी थी, मुझे फ़ौरन से स्विच करना पड़ा। जबकि आप वाई बी आर या सी बी का देखें तो वो आपसे इतनी जल्दी गियर नहीं मांगता, उसको आप पुश करते रहें करते रहें तो काफ़ी आगे तक वो जा सकता है। इसने बहुत जल्दी गियर मांगे और अभी तक मैं 100 नहीं टच कर सका आई गेस। असल में जिनका ये बाइक है, ओनर ने बाइक बहुत केयर से रखा हुआ है, बट उन्होंने पुश किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने स्पीड जो है 120 तक टच की हुई है, सो इट मस्ट बी पॉसिबल। लेकिन मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। पता है आपको, रिस्क लेना जो है ना किसी की चीज़ पे ज़रा डिफरेंट हो जाता है। अपना होता तो मैं ज़रूर इसको रगड़ता। लेकिन आई एम लविंग द राइड। ब्रेकिंग बहुत मज़े की है, राइड बहुत मज़े की, बहुत लाइट सा बाइक है। ड्राइव वेट इसका भी 130 है, ठीक है, सीबी का भी 130 है, लेकिन वो देखने में इतना बल्कि लगता है ना। मैंने वीडियो में यही कहा था कि उसके जो साइड स्कूप्स है ना वो उसको बना देते हैं कि यार जैसे बहुत बड़ा बाइक है। और अब ये देखने में बहुत पतला बाइक है लेकिन इसका ड्राइव वेट सेम है, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो ये ज़रा ईजी टू हैंडल लगता है। वेल, मस्ट से कि प्राइस जस्टिफाइड नहीं है फिर भी। दिस इज़ नॉट समथिंग यू बाय फॉर 450,000। पहले जहाँ पे था तो ठीक था, 3 लाख तक इसकी पहले से प्राइस पहुँची हुई थी, बट एक साल कह सकते हैं या कुछ मंथ्स कह सकते हैं आप, उसमें जो है ना इसने बहुत हाइक पकड़ी है और एकदम से जो है ना प्राइसेज आसमानों को पहुंच गई है। सो रिव्यू मज़े का था, बाइक राइड बहुत मज़े की थी, रोड भी काफ़ी स्मूथ हैं, मज़े की हैं, सिंपल सी हैं, इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो खैर, आपने सीबी का रिव्यू भी देखा होगा, उसकी मैंने सीधा तारीफ़ें की थी, और इसकी उससे भी ज़्यादा तारीफ़ें मैं करूँ तो, क्योंकि है अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी है। सो ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड और मज़ा है। ये पता नहीं बंद क्यों हो जाता है एंड पे। बाकी सीबी के कंपैरिजन करो तो ज़्यादा कंफर्टेबल राइड है और ज़्यादा स्मूथ राइड है। यहाँ पे रिव्यू एंड करते हैं। इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको कोई लॉन्ग राइड भी दिखा सकें तो दिखाएंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि ये बाइक रीच से तो बाहर है, मैं लेने नहीं लगा इसको, तो खैर ओवरऑल मज़ा आया राइड करके इसको, बट प्राइस इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो हम इस बाइक को ऐसे ही रहने देंगे, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, इसके पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो हम जो है ना अपने बाइक पे ठीक है, सीबी वाई वी आर पे। इंशाल्लाह शिफ्ट करना हुआ तो बंदा कोई और कंपनी बनेली वगैरह पे स्विच करे, थोड़ा सा इस कैटेगरी से बाहर निकले, बट स्टिल जिसको शौक है वो ख़रीदता है और अच्छा बाइक है, टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है।
जो लोग ले सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से बाइक रिकमेंडेड है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लें, वरना सुकून करें, छोड़ें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना फीडबैक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मज़े मज़े की POV राइड्स और मॉडिफिकेशन CB की आगे आ रही हैं, तो ज़रूर वो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, एंड दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.